हेलो एवरीवन, दिस इज फरहानूर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग क्लास 11th बायो का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम हमने स्टार्ट कर दिया था। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आई होप आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है एल्गी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, व्हाट आर एल्गी? एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्ज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब है एल्गी के पास क्लोरोफिल तो होता है, ये सिंपल होते हैं, थैलोइड होते हैं। थैलोइड मींस द प्लांट बॉडी ऑफ एन एल्गी इज कॉल्ड थैलस, एंड थैलस रिफर्स टू द प्लांट बॉडी व्हिच इज नॉट प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड और डिस्टिंग्विश्ड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। और एल्गी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये खाना खुद बनाते हैं, और ये मोस्टली पानी में रहते हैं, एक्वाटिक होते हैं, और ये फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों तरह के पानी में रह सकते हैं। ये दूसरी तरह के हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स में, मिट्टी में, वुड में, मतलब ये लकड़ी में भी पाए जाते हैं। और ये एल्गी एसोसिएशन में भी पाई जाती हैं, जैसे कि फंजाई में हमने देखा भी था, तो इसका एग्जांपल है लाइकेन में। हमने जानते हैं ना एल्गी और फंजाई का जब एसोसिएशन होता है, तो उसका एग्जाम्पल हमने लाइकेन देखा था। और एनिमल्स में भी ये पाए जाते हैं, एग्जाम्पल है इसका स्लोथ बियर। और आपको पता है एल्गी के साइज और शेप में भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, इनका साइज अलग अलग तरह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है क्लेमिडोनास। और ये कॉलोनियल फॉर्म में भी हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। और ये फ्लेमेंटस फॉर्म में भी हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। और इनमें से कुछ एल्गी मैरिन फॉर्म में भी हो सकते हैं, इसका एग्जांपल है केल्प, जो कि ये बड़े होते हैं और इन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट एल्गी रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, एल्गी तीन तरह के मेथड से रिप्रोडक्शन कर सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन की वजह से होता है, और इसकी हर एक फ्रेगमेंट से थैलस बन जाता है। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स के थ्रू होता है, और इनमें सबसे ज्यादा कॉमन स्पोर्स जू स्पोर्स होते हैं। इनमें फ्लैजेला होता है और ये मोटाइल होते हैं, और जर्मिनेशन के बाद ये नया प्लांट्स देते हैं। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। तो फ्रेंड्स, ये तो आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, दो गैमेट्स के फ्यूजन से होता है। और फ्रेंड्स, ये गैमेट्स फ्लैजेलेटेड हो सकते हैं, मतलब मोटाइल हो सकते हैं, और साइज में सेम भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल है इसका क्लेमिडोनास। और फ्रेंड्स, ये नॉन फ्लैजेलेटेड भी हो सकते हैं, मतलब ये नॉन मोटाइल होंगे, और ये सिमिलर साइज के भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल है इसका स्पायरोगायरा। और इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं आइसोगैमस। और फ्रेंड्स, जब डिफरेंट साइज वाले दो गैमेट्स का फ्यूजन होते हैं, तब उसे एनआइसोगैमस कहते हैं। और इस तरह के फ्यूजन हम कुछ क्लेमिडोमोनास स्पीशीज में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, फ्यूजन होता है एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट का किससे, एक स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट से। इस टर्म को हम बोलते हैं ऊगैमस, और इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, फ्यूकस एक्सेट्रा। नाउ मूविंग ऑन, इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। तो फ्रेंड्स, आपको पता है एल्गी ह्यूमन बींग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। नाउ एटलीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब है अर्थ पर फोटोसिंथेसिस के दौरान टोटल फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा पार्ट एल्गी फिक्स करते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होने की वजह से एल्गी अपने आसपास के एनवायरनमेंट में डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देते हैं, और ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स के प्राइमरी प्रोड्यूसर होने की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारे एक्वाटिक एनिमल्स के फूड साइकिल्स का बेस हैं। नाउ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगेसम की बहुत सी स्पीशीज जो ओशन की 70 स्पीशीज में से हैं, फूड की तरह यूज की जाती हैं। और कुछ मैरिन ब्राउन और रेड एल्गी प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलॉइड्स, जिसे वाटर होल्डिंग सब्सटेंस भी कहते हैं, एग्जाम्पल है इसका एल्गिन, जो कि ब्राउन एल्गी होती है। दूसरा एग्जाम्पल है कैरेगिन, जिसे रेड एल्गी भी बोला जाता है, ये कमर्शियली यूज की जाती हैं।
और फ्रेंड्स आपको पता है एगार भी वन ऑफ दी कमर्शियल प्रोडक्ट है। और आपको पता है एगार कहाँ से ऑप्टेन होता है? जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया से, जिनका यूज माइक्रोब्स को ग्रो करने में किया जाता है और इनका यूज आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में भी किया जाता है। नाउ मूविंग ऑन, क्लोरेला एक यूनिसेल्यूलर एल्गी है जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है और यहाँ तक कि इसका यूज स्पेस ट्रेवलर भी फूड सप्लीमेंट की तरह इसका कंजम्पशन करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज एल्गी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। नाउ ये फ्रेंड्स होते क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दैट। थैंक यू, बाय बाय।